सबको जय मसीह की। मेरे लिए बड़े खुशी की बात है, मेरे लिए बड़े खुशी का समय है। ये महाशुक्रवार है, गुड फ्राइडे है। मैं आप सब लोगों का इस गुड फ्राइडे पर शुभकामनाएं देना चाहता हूं। गुड फ्राइडे, उस शुक्रवार के बारे में जब हम देखते हैं तो एक व्यक्ति, मैं यूं कहूं एक व्यक्ति नहीं, परमेश्वर एक व्यक्ति बना और वो मारा गया, उसे दुख दिया गया, उसे सताया गया। वो उसकी जिंदगी की मृत्यु का दिन था, लेकिन फिर भी इसे पूरी दुनिया गुड फ्राइडे के तौर पर मनाती है, शुभ शुक्रवार अथवा महाशुक्रवार के तौर पर मनाती है। ऐसा क्या हुआ? नॉर्मली जब कोई मरता है या दुख सहता है तो उस दिन को कभी भी महान अथवा गुड अथवा शुभ नहीं कहा जाता है, लेकिन यहां पर यह मृत्यु दूसरे लोगों की मृत्यु के समान नहीं थी। यीशु मसीह धरती पर क्यों आया, उसके मकसद को पूरा करने वाला दिन था शुभ शुक्रवार। आप सबों को जैसे पता है, और यदि आपको नहीं पता है तो मैं चंद मिनटों में आपको बताना चाहूंगा कि क्यों जरूरत पड़ी यीशु मसीह जो परमेश्वर था इस धरती पर आने की और आकर इस प्रकार दुख सहकर मरने की। परमेश्वर का वचन कहता है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। परमेश्वर ने अपनी महिमा के साथ, अपने स्वरूप के साथ, अपनी समानता में मनुष्य को जब बनाया था तो वो उनके पास रहना चाहता था, उनसे संगति करना चाहता था, वो हमेशा उनके साथ समय बिताना पसंद करता था। दूरी परमेश्वर का मकसद नहीं था, परमेश्वर का मकसद संगति था। लेकिन शैतान बीच में आता है, जो हमेशा बीच में आने की कोशिश करता है, मनुष्यों को परमेश्वर के खिलाफ करता है। वो भी इस पहले मनुष्य आदम और हव्वा के पास आया और परमेश्वर ने जो नहीं कहने को, नहीं करने को कहा था, उसी को करने और कहने के लिए उकसाया। और क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ कदम उठाया, पाप इस धरती पर आ गया। जैसे ही पाप परमेश्वर और मनुष्य के बीच में आया, परमेश्वर का वचन कहता है महिमा मनुष्य को छोड़कर चली गई, परमेश्वर की उपस्थिति में वो रहने के लायक नहीं रहे। एक बड़े गर्त को, एक बड़ी खाई को उस पाप ने परमेश्वर और मनुष्य के बीच में उत्पन्न कर दिया। आज चाहे मनुष्य कितनी भी कोशिश कर ले, परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि पाप उसके बीच में है। परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर हम तक पहुंच सकता है, लेकिन पाप की जगह पर वो नहीं आ सकता, पापी के साथ वो मेल नहीं कर सकता। इसीलिए उस पाप को मिटाने के लिए एक ऐसे जरिए की आवश्यकता थी, एक ऐसे माध्यम की आवश्यकता थी जिससे कि पाप खत्म कर दिया जाए और परमेश्वर और मनुष्य का पुनर्मिलाप हो जाए, वही संगति लौट कर आ जाए जो कभी हुआ करती थी, वही प्रेम लौट कर आ जाए जो कभी मिला करता था, वही आनंद उन्हें मिल जाए जिसमें वो पहले रहा करता था। लेकिन आज वो उसके अंदर नहीं रहा, उसकी वजह पाप, पाप। और इस पाप को खत्म कैसे किया जाए? एक पापी मनुष्य इसको खत्म नहीं कर सकता, एक पापी महात्मा इसे खत्म नहीं कर सकता, एक पापी ज्ञानी उसे खत्म नहीं कर सकता, एक पापी धनी उसे खत्म नहीं कर सकता, एक पापी विज्ञाता उसे खत्म नहीं कर सकता। उसके लिए जरूरी है कि वो कैसा भी क्यों न हो, पाप रहित हो। और इसीलिए यीशु मसीह बिना पाप के, मनुष्य के तरीके के द्वारा नहीं, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए पवित्र आत्मा में एक कुमारी के अंदर
जन्म दिलवा कर यीशु मसीह को इस धरती के अंदर, या फिर यूं कहूं परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम पर इस धरती में एक शिशु के तौर पे प्रवेश किया। 33.5 साल की जिंदगी उन्होंने इस धरती के बिल्कुल बीच के स्थान इसराइल में, वहां पर यरूशलेम में, आसपास के इलाकों में, कई जगहों पर, बैथनिया वहां था, गलीली वहां था, दिकापोलिस वहां था, इन सभी जगहों पर वो सेवा करता फिरा। लेकिन कुछ लोगों को उसकी ये सेवा पसंद नहीं आई। एक्चुअली उसको पसंद नहीं आई, मैं नहीं कहूंगा उसके पीछे काम करने वाले शैतान को पसंद नहीं आई। उसने कोशिश जारी करी, बहुत कोशिश करी कि इस यीशु को खत्म कर डाले, लेकिन जब तक उसका समय नहीं आया, जब तक उसको समय नहीं आया, कौन सा समय अजीजों, कौन सा समय? वही समय जिसके लिए उसने धरती पर जन्म लिया था। हर कोई धरती पर जब जीने के लिए आता है, केवल एक ही ऐसा जन्म हुआ जो मरने के लिए आया था, और वो जन्म था प्रभु यीशु मसीह का। और जब वो मृत्यु के लिए इस धरती पर आए, जब उसका समय आया, सिपाहियों के द्वारा यीशु को पकड़वा लिया जाता है। उसके लिए यीशु का एक चेला एक माध्यम बनता है। उसका पिलातुस के सामने, हेरोदेश के सामने, महायाजक के सामने मुकदमा चलाया जाता है, सुनवाई होती है। इन सब के बावजूद, उस सब के बावजूद उस पर कोई दोष नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी पिलातुस ये सजा सुनाता है कि इसे मृत्यु दंड दिया जाए। वो मृत्यु दंड किसके लिए था? जैसे मैंने कहा, पाप को दूर करने के लिए, पूरी मानव जाति के पाप को यीशु मसीह ने गतसमनी नामक बगीचे में, जब एक बगीचे में आदम और हव्वा ने परमेश्वर से अलग होने का कदम उठाया था, तो दूसरे बगीचे गतसमनी में यीशु मसीह ने उसी मनुष्य और परमेश्वर को इकट्ठा होने का एक मार्ग तैयार किया। मनुष्य जाति के पूरे पाप को कटोरे में लेकर यीशु मसीह ने वो कटोरा पीने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। तब से शुरू हुआ ये शुक्रवार की कहानी का आरंभ। ये धीरे 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 उसको क्रूस की ओर ले जाया जाता है, कोड़े की मार खाता है, थप्पड़ मारा जाता है, बाल नोचे जाते हैं, ये सब बातें आपको पता है। लेकिन ये सब क्यों हुआ? जिससे कि आप और मैं पापों से छुटकारा पा लें। हाँ मेरे भाई, हाँ मेरी बहन, अब आपको मरने की जरूरत नहीं है, अब आपको दुख सहने की जरूरत नहीं है, अब आपको पाप की बलियां चढ़ाने की जरूरत नहीं है, अब आपको जगह जगह पर जाकर अपना माथा मारने की जरूरत नहीं है, अब आपको कहीं पर भी जाकर किसी भी प्रकार के कोई भी पुण्यों को करने की आवश्यकता नहीं है। आप परमेश्वर के पास, आप परमेश्वर के पास केवल विश्वास के द्वारा आ सकते हैं। और यीशु मसीह का सदा के लिए चढ़ाया गया, महान शुक्रवार के दिन पर चढ़ाया गया महाबलिदान हमारे सारे पापों को माफ करके हमें अपना बेटा बनाता है। ये है शुभ शुक्रवार। इसलिए बना ये शुभ शुक्रवार, क्योंकि यहां पर मेल हुआ मनुष्य का परमेश्वर के साथ। शांति आई, चंगाई आई, छुटकारा आया। जो मनुष्य अकेला अंधकार में पड़ा था, वो प्रभु के साथ मिल गया और रोशनी में जीने लगा। रोशनी आ गई, महाशुक्रवार आ गया। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी और मेरी सबसे बड़ी आशा है कि यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए मरा। लेकिन वो मरा पड़ा नहीं रहा, तीसरे दिन वो जिंदा हो गया। और पूरा विश्व 2 दिन के बाद ईस्टर बनाने जा रहा है। वो है मसीहत का असली संदेश। मृत्यु आपको दबा नहीं पाएगी, पाप आपको दबा नहीं पाएगा, शाप आपको दबा नहीं पाएगा। एक दिन जैसे यीशु जिंदा हुआ, आप भी उबर कर बाहर आएंगे। कितने लोग कहते हैं मुझे भी वो प्रेम चाहिए? आप कमेंट में लिख सकते हैं, हमें अपना उत्तर जरूर दीजिएगा। मैं कहना चाहूंगा, हमने उसे पाया, पाप से मुक्ति पाई, शाप से मुक्ति पाई। आज आनंद है, असीम आनंद है महाशुक्रवार के
पहले दिन का आनंद आज भी हम में बना हुआ है, क्योंकि उसने हमें आजाद कर दिया और वो आपको भी आजाद करना चाहता है। डरने की आवश्यकता नहीं है, शोक में जीने की आवश्यकता नहीं है, तनाव में रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने सब कुछ अपने ऊपर हटाकर, अपने ऊपर उठाकर सब कुछ हटा दिया है। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे आप? हे स्वर्ग के पिता, इस अच्छे दिन के लिए, शुभ शुक्रवार के लिए, महाशुक्रवार के लिए धन्यवाद। हम पाप में मर सकते थे, हम पाप में खत्म हो सकते थे, शाप शैतान हम पर तांडव मचा सकता था, लेकिन धन्यवाद कि आप मरे कि हम जिए, आपने दुख सहा कि हमें खुशियां मिली, और आप जिंदा हो गए कि हम भी इन सब से जिंदा होंगे, उबर कर बाहर आएंगे। हर एक को आशीष दे प्रभु, कोई भी बिना इस चंगाई के, बिना इस मुक्ति के कोई भी है, इसी समय यीशु के नाम में उन्हें वो मिलने पाए, आपको स्वीकार करने का सौभाग्य दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। आप सबको एक बार और महाशुक्रवार। गॉड ब्लेस यू।